हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स फॉर यू। तो फ्रेंड्स, जेके एसएसबी ने आज एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4/2021 के अंडर 329 वैकेंसीज जो हैं वो आउट कर दी हैं। तो ये जो वैकेंसीज आउट की गई हैं आज 329, ये वैकेंसीज एनिमल शिप हस्बेंड्री और फिशरीज डिपार्टमेंट में जो है वो आउट की गई हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके 4 अगस्त से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे और 6 सितंबर जो है, 6 सितंबर 2021 जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 329 पोस्ट जो है वो एडवाइज की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो फर्दर डिटेल्स दी गई हैं, डॉक्यूमेंट्स या वैकेंसीज की डिटेल्स, एज लिमिट्स, जो भी रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज मिलेगी, वो भी क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो आपको पोस्ट के हिसाब से, डिफरेंट जो पोस्ट हैं डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से आपको जो है क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड रहेगी। तो जो पोस्ट यहाँ पर एडवाइज की गई हैं, ये पोस्ट ज़्यादातर जो है आपकी 10th पास पोस्ट ही हैं, यानी 10th लेवल पे जो आपकी ये पोस्ट जो है वो यहाँ पर एडवर्टाइज की गई हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट जो है यहाँ पर जो है वो जेके एसएसबी ने आज एडवर्टाइज की हैं। तो पहले नंबर पे यहाँ पर आपको दिख रही होगी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, डायरेक्टोरेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, डिवीज़न जम्मू में। ये 4 टोटल पोस्ट हैं। इसके अलावा वेटरनरी फार्मासिस्ट की भी पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है ये मैट्रिक विद साइंस आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। आपकी मैट्रिक होनी चाहिए विद साइंस के साथ, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए, वेटरनरी फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। तो मैक्सिमम जो पोस्ट हैं आपकी जो है वो मैट्रिक लेवल पे ही हैं, इसलिए जो भी कैंडिडेट्स मैट्रिक जिनकी हो चुकी है और उनकी एज जो है वो 1/1/2021 तक 18 साल से अबव है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो इस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक असिस्टेंट की भी पोस्ट यहाँ पर जो है एडवाइज की गई हैं। स्टॉक असिस्टेंट के लिए आपको, स्टॉक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है आपकी, वो भी 10th पास ही है। तो जो भी कैंडिडेट्स इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन कर दें और उसके बाद अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। थैंक यू।